अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं योग विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए देश में लोकतंत्र और संविधान के खत्म होने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उपयोग की गई भाषा शैली पर उन्होंने निराशा जाहिर की कि आज देश में जिस तरह से संविधान को बदलने का प्रयास हो रहा है, देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, इन नीतियों के खिलाफ, इस भाजपा की सोच के खिलाफ देश में तमाम ऐसे दल जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को कायम रखना चाहते हैं, तमाम ऐसे दल इंडिया अलायंस के रूप में इकट्ठे हुए हैं। और आज जब 5 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री जी की शारीरिक भाषा देखेंगे, उनकी भाषा शैली जो आजकल वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर नज़र रखेंगे तो कहीं ना कहीं हताशा और निराशा साफ तौर पे इंगित हो रही है। 10 वर्ष का शासन एनडीए का रहा इस देश में, लेकिन देश पीछे हटा है। जब पिछला चुनाव था उस समय भी बहुत से प्रश्न थे जो अनसुलझे रह गए। बेरोजगारी की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, आज तो 10 साल हो गए, कायदे से 20 करोड़ रोजगार बनते हैं लेकिन लाखों युवाओं की छटनी हो गई, कहीं रोजगार मिले नहीं। पिछली बार नारा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आप देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। खाने पीने की वस्तुएं आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जब विश्व की मार्केट में जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, सस्ता हुआ है लेकिन फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा है। उसी तरह जीएसटी, जिसे गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी जी कहते हैं, अवैध रूप से वैध तरीका साबित करके जो है टैक्स वसूला जा रहा है जनता से। और पिछले चुनाव में इन मुद्दों पे चुनाव नहीं हुए, पुलवामा की घटना हुई, पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया, उसके बाद बालाकोट, और आज तक 10 वर्षों में ये हमें पता नहीं चल पाया कि बालाकोट की घटना के पीछे कौन जिम्मेवार थे। बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की चूक थी, अगर विश्व में कोई और देश होता तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है त्याग पत्र देने के लिए मजबूर होते, लेकिन उस घटना के इन्होंने इस्तेमाल किया और देश में जो है ऐसा माहौल बनाया कि चुनाव जीत। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।